जी से बातचीत करते हैं। सुनीता जी आपका स्वागत। सुनीता जी आपने जोर शोर से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, आपको फील्ड में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए ऐसा है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सारा, मैं कहूँगी कि पूरे पाँच साल तक, पूरी पाँच साल की अवधि तक ही जो है वो लगातार धरातल पर जनता के बीच में बनी रहती है, और हमारी सरकार भी जो है वो जो भी काम करती है वो जनता के विकास के लिए करती है। लेकिन क्योंकि अब जो है चुनाव का बिगुल बज चुका है और यहाँ से हमारे वरिष्ठ नेताओं की और साथ साथ हमें हमारे बुजुर्गों की दुआओं से मुझे यहाँ पर जो उम्मीदवार घोषित किया गया है, तो अब हमारे जो चुनाव की जो प्रचार प्रसार है उसने गति पकड़ ली है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि आज यहाँ पर गुना में राणा धीर जी जो वहाँ के स्थानीय देवता हैं और उनका वहाँ पर स्थान है, तो वहाँ की जो एक कॉलोनी है, वहाँ की पूरी कॉलोनी ने जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने का काम किया है। उसके साथ साथ अब जब यहाँ पर हम, ये खासा पठाना जगह है, ये सनियाना मंडल में आती है और यहाँ पर गुना में आती है, और यहाँ से भी आप ये देखिए कि खासा पठाना में भी हमारे बहुत से जो हमारे यहाँ पर कार्यकर्ता जो है जिन्होंने आईएमएमबी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में विश्वास व्यक्त किया है, तो आप देख रहे हैं चारों तरफ जबरदस्त उत्साह है। और अब की बार सब सिरसा लोकसभा के लोग मन बना चुके हैं कि यहाँ पर कमल का फूल जरूर खिला। जी का रोड शो है यहाँ पे और आप उनकी जो भारतीय जनता पार्टी की, और उसी के तहत आज टोहाना में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो रोड शो कर रहे हैं, साथ में हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष सुभाष कराला जी भी रहेंगे, और इसके साथ साथ आगे के आने वाले। आपकी भारतीय जनता पार्टी का मेन मोटिव क्या है, आप लोग से क्या डिमांड करते हैं, क्या आप उनको सब्जार दिखा रहे हैं? देखिए कोई सब्जार नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ अपनी जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में अपने विकास को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता इस बात को मान रही है, जनता इस बात में महसूस कर रही है कि बहुत अंतर जो है पहले की सरकारों में और हमारी अब की सरकार में है, और इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे केंद्र में भी और हमारे हरियाणा में भी सरकार जो है वो दोहराई जानी चाहिए। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की तरफ से 10 की 10 लोकसभा की जो कमल के फूल हैं वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गठबोली में डालने का हम काम करेंगे, और इस तरह से हमारे केंद्र में भी सरकार बनेगी और हरियाणा में भी हमारी सरकार। भारत माता की जय। ये थी सुनीता दुग्गल जी।